तो दोस्तों वेलकम बैक टू कार वर्सल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइव बिगेस्ट एसयूवी कार्स इन इंडिया, या फिर वो सारी पांच सबसे बड़ी एसयूवी गाड़ियां जो कि इंडिया में आती है, जो कि बहुत ही बड़ी साइज़ की हैं, जिनमें आपको बहुत ही बड़ा व्हील बेस मिलता है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एसयूवी के नाम पर ट्रक्स है ये गाड़ियाँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं कि आप छोटी सड़कों पर तो लेके जा ही नहीं सकते इन्हें। और जो साइज़ है और जो इनका फीचर्स है काफ़ी बढ़िया है। तो बाकी अगर आपको गाड़ी के बारे में इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कारवर्सल काफ़ी बढ़िया प्लेस है गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जो पहली गाड़ी है इस लिस्ट की, और जो कि इस लिस्ट की सबसे फिलहाल छोटी गाड़ी है, तो वो है लेक्सस की LX570। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 5.08 मीटर्स की, और अपने सेगमेंट की मतलब इस पूरी लिस्ट की सबसे छोटी गाड़ी है। और छोटी अगर आप देखें तो वैसे नॉर्मल साइज़ में काफ़ी बड़ी है। इसकी लेंथ इतनी है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप एक रेनॉल्ट के क्विड को और एक आधी क्विड को और रखें उसके सामने, तो तब जाके इस गाड़ी की लेंथ बनेगी। और बहुत ही भारी गाड़ी है ये, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 3 टन का आपको वेट मिलता है गाड़ी का। और जो इंजन है वो भी काफ़ी भारी सा है, काफ़ी बड़ा इंजन है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 5.7 लीटर का V8 इंजन, जिसमें आपको 360 हॉर्स पावर मिलती है, और काफ़ी एक पावरफुल इंजन है जो कि आपको लैंड क्रूज़र से भी मिलता है। और जो बाकी गाड़ी का प्लेटफॉर्म है और जो व्हील बेस है वो लैंड क्रूज़र वाला ही है। इस गाड़ी का जो प्राइस है इंडिया में वो है 2.32 करोड़ रुपीस, और इंडिया में सिर्फ अभी तो फिलहाल एक ही वेरिएंट में आती है, जो कि LX570 वाला वेरिएंट। और पहले ये गाड़ी एक LX450D वाले वेरिएंट में भी आती थी, जिसमें आपको एक डीजल का इंजन ऑप्शन मिलता था, लेकिन वो तो अब डिसकंटिन्यू हो गया है BS6 नॉर्म्स चलते। और अगर आप इसके अंदर आते हैं इसके इंटीरियर में, तो इसमें आपको 7 सीट्स मिलती है, और तीनों रो ऑफ सीट्स में आप काफ़ी आसानी से आप बड़े बड़े लोगों को, काफ़ी बड़े साइज़ के 6-6 फुट के लोगों को आप आसानी से बिठा सकते हैं। और इसकी जो थर्ड रो ऑफ सीट है उसमें भी आपको एम्पल आपको जो है आपको लेग स्पेस मिलती है, और बाकी आपको हेड स्पेस मिलती है ताकि आप सामान भी रख पाए अपना, और बाकी अगर आपको बैठना भी है उसमें आप बैठ पाए। इस गाड़ी में आप काफ़ी बढ़िया आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अलग अलग और काफ़ी आपको बढ़िया वाले आपको ऑफ रोडिंग मोड्स मिलते हैं। और तभी अगर आप इसे कई अरब कंट्री में देखें, जैसे कि अगर आप सऊदी अरेबिया में देखें या फिर अगर आप इस गाड़ी को दुबई में देखें, तो वहाँ काफ़ी पसंद की जाती है ये गाड़ी, क्योंकि इसमें आप काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और बाकी जो गाड़ी के व्हील बेस है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी बढ़िया है। इस गाड़ी में आपको 600-700 लीटर्स के आसपास की आपको बूट स्पेस मिलती है। और बाकी जो गाड़ी का, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 2.3 करोड़ का एक शोरूम प्राइस है, तो उसके हिसाब से काफ़ी महंगी गाड़ी है, क्योंकि इंडिया में इस गाड़ी पे 125% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और बाकी दुबई में तो ये गाड़ी 70 लाख रुपये की आपको मिल जाती है, तो वह काफ़ी बढ़िया है। फिर जो इसलिए इसकी अगली गाड़ी है जो कि इससे बड़ी साइज़ की और बहुत ही बड़ी गाड़ी है, तो वो है मर्सिडीज़ की GLS। तो जैसे कि जो मर्सिडीज़ की GLS है वो मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप एसयूवी कार है, जिसमें आपको सबसे बढ़िया फीचर्स मिलते हैं मर्सिडीज़ की पूरी रेंज में, सबसे बढ़िया आपको लुक्स मिलती है और सबसे बड़ा आपको साइज़ मिलता है। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 5.13 मीटर्स की, और काफ़ी बड़ी गाड़ी है, और इसमें तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप 2 क्विड को अगर सामने रख दें तब जाके ये गाड़ी बनेगी। इस गाड़ी में अब आपको 7 सीट्स मिलती है, और 3 रो ऑफ आपको सीट्स मिलती है, और तीनों रो ऑफ सीट में आप काफ़ी कंफर्टेबली आप बड़े बड़े लोगों को बिठा सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 3 सनरूफ मिलती है, और उससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितना बड़ा साइज है इस गाड़ी का। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक प्लॉट जितनी बड़ी गाड़ी है, कि जितने बड़े लोग प्लॉट खरीदते हैं एक ज़मीन अपना घर बनाने के लिए, उतनी बड़ी गाड़ी है ये। और बाकी इस गाड़ी में आपको इंडिया में तो आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, और जो बिकने वाला है वो है 3.0 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 250 हॉर्स पावर मिलती है। इस गाड़ी में आपको 700 लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी है, और वो मैं बता रहा हूँ जब आप सीट्स को अनफोल्ड करके रखते हैं, और फोल्ड करेंगे तो फिर तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। और इसमें आप कुछ भी लगेज वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, काफ़ी लग्जूरियस गाड़ी है। और इसका एक 2020 वाला वर्जन भी आ चुका है, जो कि अभी तो फिलहाल इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में कुछ ही हफ्तों में ही या फिर कुछ ही महीनों में ही ये वाला वर्जन लॉन्च होगा। इसका अभी जो फिलहाल इंडिया में एक शोरूम प्राइस है वो है 89 लाख रुपीज़ एक शोरूम इंडिया। और इंडिया में 2-3 वेरिएंट्स में आती है, जैसे कि GLS 350D, GLS 450, 4Matic, तो जोन सा आपको लेना है आप ले सकते हैं। और डीजल वाला ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिलती है। इसमें अगर आप डीजल का इंजन ऑप्शन लेंगे, तो उसमें आपको 7-8-9 के आसपास की आपको बढ़िया एवरेज मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से सही है इसके हिसाब से, क्योंकि 1 करोड़ की अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो इतना तो एक्सपेक्टेड होता ही है कि आपको जो एवरेज मिलेगी थोड़ी कम मिलेगी। फिर जो इसलिए इसकी अगली गाड़ी है, और जो कि बहुत ही बड़ी गाड़ी है और GLS से भी बड़ी है, तो वो है BMW की X7, जो कि BMW की सबसे बड़ी, सबसे लग्जूरियस और सबसे फीचर वाली SUV कार है। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 5.15 मीटर्स की, और बहुत ही बड़ी गाड़ी है, और अगर आपने इसे कभी रियल लाइफ में देखा हो तो बहुत ही बड़ी लगती है।
अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट से देखें तो फ्रंट में इस गाड़ी में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी आपको ग्रिल मिलती है बीएमडब्ल्यू की, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितनी एक ग्रिल होती है जिसमें हम खाना बनाते हैं उतनी बड़ी वो ग्रिल है। और उसमें आपको जो है आपको वर्चुअल आपको एयर इनटेक्स मिलते हैं जो कि हाई स्पीड में बंद हो जाएंगे और लो स्पीड में खुल जाएंगे, ताकि आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी वो बढ़िया रहे। इस गाड़ी में भी आपको तीन सनरूफ मिलती है तीनों रॉफ सीट के लिए अलग अलग, जिससे काफ़ी आप बढ़िया इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और तीनों रॉफ सीट में आपको एकदम बढ़िया आपको जो है आपको सीटिंग स्पेस मिलती है, जिससे आप काफ़ी बढ़िया बड़े बड़े लोगों को खली जैसे लोगों को बिठा पाए। इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि 3.0 लीटर का पेट्रोल और 3.0 लीटर का डीजल इंजन। और जो पार है वो आपको 250 हॉर्स पार और 350 हॉर्स पार के आपको अराउंड मिलती है डीजल और पेट्रोल में रिस्पेक्टिवली। और बाकी अगर आप इसके अंदर आते हैं इंटीरियर में, तो इसमें आपको कैप्टन सीट्स मिलती है इसके सेकंड रो ऑफ सीट में, जो कि काफ़ी लग्जूरियस है काफ़ी कंफर्टेबल है और एकदम आपको बढ़िया एस क्लास या फिर बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज़ वाली फील देगी। इस गाड़ी का जो प्राइस है इंडिया में वो है 1.1 करोड़ रुपीज़ एक्चुअली में इंडिया, तो जो GLS है उससे तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपये महंगे है, 20 लाख के आसपास। और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है और मुझे काफ़ी पसंद है। और इस गाड़ी को कहा जाता है या फिर बीएमडब्ल्यू इस गाड़ी को 7 सीरीज़ का एसयूवी वाला वर्जन कहते हैं। और जैसे कि जो 7 सीरीज़ है वो बीएमडब्ल्यू की पिनेकल लग्जरी गाड़ी है, तो ये आप कह सकते हैं कि बीएमडब्ल्यू की पिनेकल लग्जरी एसयूवी कार है। और बाकी इंडिया में तो बढ़िया बिक्री है ये। और बाकी इस गाड़ी में आपको रिमोट पार्किंग वाला फीचर भी मिलता है, जिसमें आपको एक स्मार्ट की मिलेगी बीएमडब्ल्यू की तरफ से, जो कि एकदम ऐसे स्मार्टफोन जैसी लगती है, एकदम बढ़िया सी की है महंगी जी। और वो 20,000 रुपये के प्राइस में एक्स्ट्रा आपको खरीदनी पड़ती है, मतलब इस गाड़ी में तो आपको फ्री ही मिलती है 1 करोड़ 10 लाख के प्राइस में। और बाकी उस की से आप जो है आप अपनी गाड़ी को एक पार्किंग लॉट से बाहर भी निकाल सकते हैं, और बाकी उसमें आप अपनी गाड़ी का जो सनरूफ वगैरह वो खोल सकते हैं, अपनी गाड़ी का कोई भी एम्बियंट मूड वगैरह आप सेट कर सकते हैं। और हर एक सीट में इसमें आपको मसाजिंग मिलती है, हर एक सीट के लिए आपको सेपरेट एसी वेंट्स मिलते हैं, हर एक सीट के लिए आपको सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ऑटोमेटिक वाला, जो कि आपको सस्ती गाड़ियों में तो ऑफ कोर्स नहीं मिलता। और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है ये। फिर जो असली इसकी अगली गाड़ी है और जो कि काफ़ी महंगी गाड़ी भी है और बेंटली की तरफ से आती है, तो वो है बेंटली की बेंटायगा, जिसकी जो लेंथ है वो है 5.15 मीटर्स के अराउंड और थोड़ी सी बड़ी है बीएमडब्ल्यू की X7 से। और इसकी खास बात यह है कि जैसे कि बीएमडब्ल्यू की X7 और बाकी जोन सी भी मैंने आपको अभी तक गाड़ियाँ बताई है वो सारी 7 सीटर है, लेकिन ये गाड़ी 5 सीटर है इतने बड़े साइज़ में भी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें आपको लेग स्पेस मिलेगा और कितनी बढ़िया लग्जूरियस गाड़ी होगी ये। तो जो बेंटली की बेंटायगा है वो टोटल में दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जो कि 6.0 लीटर का W12 इंजन, जिसमें आपको अराउंड आपको 600 हॉर्स पावर मिलती है, और एक आपको मिलता है 4.0 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन, जिसमें आपको 550 हॉर्स पावर मिलती है। और जैसे कि फोक्सवैगन ग्रुप की गाड़ी है तो जो व्हील बेस है इसका वही वाला है जो कि आपको ऑडी की Q7 में और बाकी आपको जो दूसरी गाड़ियों में मिलता है या फिर दूसरी एसयूवी कार्स में मिलता है फोक्सवैगन ग्रुप की। इस गाड़ी का जो इंडिया में प्राइस है वो है 3.85 करोड़ रुपीज़ एक्सशोरूम इंडिया, और बाकी दोनों ही अगर आपको इंजन ऑप्शंस लेने हैं तो उन दोनों का ही इतना ही प्राइस है। और ये गाड़ी वर्ल्ड की फास्टेस्ट एसयूवी भी है, क्योंकि इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 200 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा की है, और उससे काफ़ी फास्ट बनती है ये एसयूवी। और इंडिया में तो आप ऑलमोस्ट कहीं पे भी नहीं चला सकते इस गाड़ी को इतनी स्पीड पे, क्योंकि 300 किलोमीटर पर आवर तो ऑलमोस्ट कोई भी हाईवे नहीं है जिसमें आप चला पाएंगे इस गाड़ी को। इस गाड़ी में आपको सारे जो बेसिक फीचर है वो आपको मिलेंगे ही, सबसे बढ़िया क्वालिटी के आपको इसमें लेदर्स मिलेंगे, सबसे हाई क्वालिटी के इसमें आपको जो है आपको लाइट्स मिलेगी, और सबसे हाई क्वालिटी का आपको इसमें फिनिशिंग मिलेगी। और तभी बेंटली है और तभी ये 5 करोड़ के आसपास के प्राइस में आती है ये। और इंडिया में तो अभी फ़िलहाल इतनी बढ़िया आपको नहीं दिखेगी ये, क्योंकि महंगी गाड़ी है, लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे इलाकों में जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया दिखेगी ये गाड़ी आपको, और काफ़ी लोग खरीदते हैं ऐसे। और फिर जो इस लिस्ट की लास्ट गाड़ी है, इस लिस्ट की सबसे महंगी गाड़ी है, इंडिया की सबसे महंगी एसयूवी है और इस लिस्ट की सबसे महंगी एसयूवी है, तो वह रोल्स रॉयस की कलिनन, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट लग्जूरियस एसयूवी भी कहा जाता है। इस गाड़ी में आपको एकदम आपको हाईएस्ट क्वालिटी वाले आपको फीचर्स मिलते हैं, आपको सबसे बड़ा इंजन मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको पावर मिलती है, सबसे आपको हाई क्वालिटी आपको इंटीरियर मिलता है, और सबसे बड़ा आपको साइज़ मिलता है। और इस गाड़ी में अगर आप साइज़ के बारे में बात करें तो इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 5.34 मीटर्स की, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि लेक्सस की जो इतनी बड़ी LX 570 आती है उससे भी ये गाड़ी 300 mm ज़्यादा लंबी है, जो कि बहुत ही बड़ी गाड़ी बनाती है इसे। और जो बेस्ट पार्ट है इसका वो ये है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इसमें आपको सिर्फ आपको 4 सीट्स ही मिलती है,
तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आपको स्पेस मिलेगी इसमें, और इसमें आप 4 सीट में भी आप 10 लोगों को बिठा सकते हैं एक तरह से। इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि रोल्स रॉयस का जो उनका सिग्नेचर इंजन है, जो कि 6.75 लीटर का V12 इंजन, जिसमें आपको 560 हॉर्स पावर मिलती है। और एक ब्लैक बैज वाले वर्जन में भी आती है ये गाड़ी, जिसमें आपको इसमें थोड़ी बहुत स्पोर्टी सस्पेंशन मिलती है और इसके इंजन में थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती है। इस गाड़ी के जो स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में वो है 7 करोड़ रुपीज़ एक्सशोरूम इंडिया, और बाकी अगर आपको इसका ब्लैक बैज वाला वर्जन लेना है तो उसका अराउंड ऑन रोड प्राइस 10 करोड़ के आसपास पड़ जाता है। तो उसी से आप देख सकते हैं कितनी महंगी एसयूवी है। इस गाड़ी में आपको सुसाइड डोर्स मिलते हैं जो कि अलग तरीके से खुलते हैं किसी भी और गाड़ी से, क्योंकि नॉर्मली जो गाड़ी के दरवाजे वो आगे की तरफ खुलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में जो दरवाजे वो आपको पीछे की तरफ खुलते हुए मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया ऐसे एक फील प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप किसी पार्टी में लेके जाएंगे इस गाड़ी को तो सबसे आपकी अलग ही आपकी फील हो जाएगी, क्योंकि जो गाड़ी के दरवाजे आपके एकदम अलग तरीके से खुल रहे हैं। और इस गाड़ी को तो इंडिया में आप काफ़ी कम ही देख पाएंगे, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम ही बिकती है। इतनी महंगी गाड़ी आपको काफ़ी कम लोगों के पास दिखेगी, और बाकी इस लिस्ट की सबसे महंगी गाड़ी है, इंडिया की सबसे महंगी एसयूवी है और सबसे बड़ी एसयूवी भी है एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर आप ट्रक्स को ना गिने और बाकी अगर आप जो फोर्स की वन आती है उन सबको ना गिने तो बाकी सबसे बड़ी गाड़ी है इस लिस्ट की। तो बाकी फिर आप कमेंट्स में मुझे लेके बताएगा कि क्या आपको इन 5 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे पसंद है, और इन 5 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप खरीदना पसंद करेंगे अगर आपको इन 5 में से खरीदनी है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।